Hello students, I am Dr. Karan Yadav, Assistant Director in IISL at Government Khaitan Polytechnic College, Jaipur. Today we will discuss on fundamentals of robotics and robots. ये e-lecture CNC machine और automation से संबंधित है, जो कि ME304 या MP304 के रूप में जाना जाता है. ये ई लेक्चर्स की कंटेंट है जिसमें रोबोटिक्स से संबंधित समस्त पार्ट इसमें शामिल किए गए हैं. रोबोटिक्स टर्मिनोलॉजी, पार्ट्स ऑफ रोबोट, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, एडवांटेजेस. सबसे पहले हम रोबोटिक्स क्या है. साइंस ऑफ रोबोट्स इज कॉल्ड रोबोटिक्स. रोबोट की उत्पत्ति 1921 से प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम 1921 से, और आज वर्तमान में 2020 में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड सिटीजन एक रोबोट को बनाया गया है, जो कि जिसका नाम सोफिया है. तो ये डेवलपमेंट है रोबोटिक्स के एरिया में. सबसे पहले हमें रोबोट को, स्पेशली हम इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करेंगे. रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका RI ने रोबोट को इस तरह से डिफाइन किया है कि एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज ए रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटीरियल्स, पार्ट्स, टूल्स एंड स्पेशल डिवाइसेस थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ टास्क. यानी कि इंडस्ट्रियल रोबोट में है रीप्रोग्रामिंग की फैसिलिटी है, मल्टी फंक्शंस इससे परफॉर्म कर सकते हैं और मूवमेंट दे सकते हैं, और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्ड मोशंस, वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं. अब प्रश्न यह है कि रोबोट शब्द है ये कहाँ से आया. रोबोट शब्द की उत्पत्ति चेक वर्ड रोबोटा से हुई है, जिसका मीनिंग है फोर्स्ड लेबर या सर्वेंट, या जिसे बंधुआ मजदूर कहा गया था शुरू में. रोबोटिक्स बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है. रोबोट, वही रोबोट, रोबोट की उत्पत्ति जो हुई है वो किस लिए की गई, किस तरह, किस लिए इसको ईजाद किया गया था, तो उसके बेसिक क्या उद्देश्य रहे होंगे. तो परफॉर्म्स हैजार्डियस और मोनोटोनस टास्क जो होते हैं उसके लिए रोबोट्स बहुत सुटेबल होता है, और रिपीटेटिव वर्क साइकिल को परफॉर्म करने के लिए भी रोबोट काफ़ी सुटेबल होता है. वेराइटी ऑफ मटीरियल्स की हैंडलिंग करनी है तो इसमें रोबोट काफ़ी कैपेबल होता है, और कॉम्प्लेक्स असेंबली टास्क, वैरायटी ऑफ जॉब्स के साथ यदि परफॉर्म करना है तो रोबोट भी काफ़ी सुटेबल रहता है. रोबोट के द्वारा हमें मल्टी मशीन्स के ऊपर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. ये मल्टी शिफ्ट ऑपरेशंस की फैसिलिटी हमें इसमें मिलती है. 24 आवर्स वी कैन यूज इट, और किसी तरह का इनफ्रिक्वेंट चेंजेस यदि करना है, बैच या जॉब या जॉब से बैच ऑपरेशन करने हैं, तो रोबोट काफी सुटेबल रहता है. तो हम कह सकते हैं कि एट ए ग्लांस कि इसके जो एडवांटेज, रोबोट से हमें काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, रीप्रोग्रामेबिलिटी की फैसिलिटी मिलती है, और इससे ह्यूमन बीइंग के मुकाबले त्वरित गति से रेस्पॉन्स मिलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, और मल्टी वर्क शिफ्ट में काम करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके, एक्सीडेंट रिडक्शन कम होता है, एक्सीडेंट रिडक्शन होता है इसमें, और ह्यूमन हैजार्डियस और फटीग टास्क करने से उसको मुक्ति मिलती है. सबसे पहले हम रोबोटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो समझेंगे. सबसे पहले वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, लिंक, ए रिजिड पीस ऑफ मटेरियल कनेक्टिंग ज्वाइंट्स इन रोबोट. दूसरा है ज्वाइंट. ज्वाइंट बेसिकली एक सापेक्षिक गति प्रदान करता है, रिलेटिव मोशन प्रदान करता है दो लिंक्स के बीच में. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिंक है, रिजिड पीस है, ये भी लिंक है. इनके बीच में जो ज्वाइन कर रहे हैं हम जिस डिवाइस से, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट. तो ये एक प्रकार से इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है. अब आप देख सकते हो एक ह्यूमन आर्म होती है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो रेड स्पॉट्स जो दिखा रखे हैं ये जॉइंट्स को शो करते हैं, और ये जो ब्लू लाइन है ये लिंक को. तो इस लिंक और इस लिंक के बीच में जो जॉइंट है ये आ रहा है. इसी तरह से ये रिस्ट है,
और इसके बीच में जो ये ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम लेते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर सीरीज ऑफ ज्वाइंट्स और लिंक्स है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर ये लिंक, फिर ये दूसरा लिंक, फिर ये, इनके बीच में ये ज्वाइंट्स हैं, तो इनकी एक सीरीज है। तो उसके द्वारा जो डिवाइस बनती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी कहते हैं, जो कि एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो मैनिपुलेटर है, बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिसाइड करता है। मूवमेंट का जो आर्म होता है, उससे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी हमें आइडिया होता है। टर्मिनोलॉजी में काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन बिना फोर्सेज के करेंगे तो काइनेमेटिक्स कहलाता है, स्टडी ऑफ मोशन विद फोर्सेज करेंगे तो डायनेमिक्स कहलाता है। इस तरह से नेक्स्ट पोजीशन, तो ट्रांसलेशन लोकेशन ऑफ समथिंग, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर उसकी लोकेशन हमें दिखानी है तो पोजीशन बताएगा, और रोटेशनल लोकेशन ऑफ समथिंग दिखानी है, यानी कि एंगुलर पोजीशन आपको दिखानी है लोकेशन, तो वो ओरिएंटेशन कहलाता है। रोबोट का जो ओरिएंटेशन होता है वो मेजर किया जाता है रोल, पिच और यो एंगल से। अब आप देख सकते हैं तीनों टर्म जो कि उसकी ओरिएंटेशन मेजरमेंट में हेल्प करती हैं। पहला रोल, रोल अब आप देख सकते हो ये इसका एक्सिस है इस रोबोट के आर्म का। तो ये जो एक्सट्रीम जो रोटेट करता है रोटेशन, जो कि ऑब्जेक्ट को उसके आर्म के एक्सिस के करस्पोंडिंगली रोटेट करवाता है, तो ये कहलाता है रोल। नेक्स्ट कहलाता है ये, जैसे नेक्स्ट जॉइंट है तो इस एक्सिस के राइट टू लेफ्ट रोटेशन या लेफ्ट टू राइट जो रोटेशन है, ये इसका यॉ कहलाता है। और तीसरा कहलाता है पिच। पिच के अंदर इसका जो मूवमेंट होता है अप डाउन, जो इसका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है वो कहलाता है पिच। तो ये तीनों जो है इसकी ओरिएंटेशन एंगुलर पोजीशंस को बताती है। रोबोटिक टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस बेसिकली एक वॉल्यूम है जो उस स्पेस के अंदर रोबोट के एंड इफेक्टर के मूवमेंट को बताता है कि वो कहां तक रीच कर पाएगा इन बोथ द पोजीशंस और ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये इसका वर्क स्पेस, जिसे दूसरे शब्दों में वर्क एनवलप या रीच भी कहते हैं, कि एंड इफेक्टर ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकता है एंगुलर पोजीशन में, और ये इसका ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो इसमें दोनों कवर्ड होते हैं वर्क स्पेस। रोबोटिक टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट है एक्चुएटर। एक्चुएटर बेसिकली क्या होता है, रोबोट को मोशन के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यूं कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर ये समाहित होती है, सेंसर्स होता है दूसरा टर्म्स है, जो कि वेरिएबल को रीड करता है और रोबोट के मोशन को कंट्रोल करता है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार के सेंसर्स को इन्होंने माउंट कर रखा है। नेक्स्ट रोबोटिक टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट है एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर का दूसरा नाम हैंड ऑफ रोबोट भी कहलाता है, यानी कि रोबोट का हाथ कहलाता है, जिसे हम टूल और ग्रिपर के रूप में काम में ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट ये हमेशा मैनिपुलेटर के एंड के ऊपर माउंट किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के टास्क पूर्ण करने में सहयोगी होता है। अब आप देख सकते हो इसमें दो तरह के एंड इफेक्टर दिखा रखे हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें एंड इफेक्टर एज ए ग्रीपर, जब हम इसको काम में लेते हैं तो किस तरह से ये ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करता है, होल्ड करता है और एक डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर इसको प्लेस करता है। ये चार तरह का होता है, मैकेनिकल, वैक्यूम या सक्शन कप, मैग्नेटिक ग्रीपर्स और एडेसिव ग्रीपर्स। तो ये बेसिकली चारों जो ग्रीपर्स होते हैं, इनको ऐसे फिगर में दिखा रखा है, मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रेशर लगा के इसको ग्रिप करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है वैक्यूम ग्रीपर्स के अंदर, यहाँ पे एक कप होता है जिससे वो वैक्यूम क्रिएट करके होल्ड करते हैं। ये मैग्नेटिक पार्ट होते हैं जो कि उसको आयरन बेस्ड या जो फेरस मटेरियल्स होते हैं उनको लिफ्ट करने में कंफर्टेबल होते हैं, और यहाँ एडेसिव लगा के और उसको लिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंड इफेक्टर एज ए टूल। टूल के रूप में एंड इफेक्टर को काम में लेते हैं, जो कि वर्कपीस पे विभिन्न ऑपरेशन करने के काम में लेता है। एज ए स्पोर्ट वेल्डिंग टूल हो सकता है, आर्क वेल्डिंग टूल हो सकता है, स्प्रे पेंटिंग नोजल हो सकता है, रोटेटिंग स्पिंडल फॉर ड्रिलिंग। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ जो ऑपरेशन कर रहा है, ये स्प्रे पेंटिंग हो रही है और यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, एज ए टूल यहाँ पे माउंट किया हुआ है इस पे दोनों एंड इफेक्टर। रोबोटिक सेंसर्स नेक्स्ट। सेंसर्स बेसिकली कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक प्रोवाइड करता है,
और ये बेसिकली रोबोट का कॉन्फ़िगरेशंस कंडीशंस मेजर करता है और एनवायरनमेंट से इसका रिलेशन बताता है हमें, और ये इंफॉर्मेशन भेजता है कंट्रोलर को एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में। और सेंसर्स बेसिकली रोबोटिक आर्म को फीडबैक रिसीव करने के लिए अलाउ करता है और एटमॉस्फेयर के बारे में उसका इंट्रैक्शन बताता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, रोबोट को पहला है पोजीशन सेंसर। पोजीशन सेंसर्स बेसिकली ये मॉनिटर करता है जॉइंट्स की पोजीशंस को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोजीशन सेंसर्स लगे हुए हैं, दोनों ये जॉइंट्स की लोकेशंस को बताते हैं, इंफॉर्मेशन एक प्रकार से फीडबैक देते हैं कंट्रोल सिस्टम को, जिससे कि हमें उसकी जॉइंट की लोकेशन पता चलती है, पोजीशन पता चलती है। वेलोसिटी सेंसर्स जनरली मैनिपुलेटर की स्पीड को एस्टिमेट करने के लिए जो सेंसर काम में लिया जाता है वेलोसिटी सेंसर कहलाता है। जैसे डीसी टैको जनरेटर एज ए वेलोसिटी सेंसर है, तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम को भेजता है ताकि प्रॉपरली मोशन को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट रेंज सेंसर। रेंज सेंसर बेसिकली ये डिस्टेंस मेजर करता है एंड इफेक्टर से और वर्क पीस को, जहां तक उसको होल्ड करना है, जो पार्ट ऑब्जेक्ट इसको होल्ड करना है उसके बीच की डिस्टेंस को। किसके थ्रू? ये टेलीविजन कैमरा हो सकता है, सोनार ट्रांसमीटर या रिसीवर हो सकता है, और इस एक बेस्ट एग्जांपल अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होता है जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काफी सुटेबल होता है। प्रोक्सिमिटी सेंसर। प्रोक्सिमिटी सेंसर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए उस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का सेंस कर लेता है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर से एक एग्जांपल है, जिसमें यहाँ से इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, बीम होती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं एज ए लाइट के रूप में, और ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती हैं और फिर उस बीम को कैप्चर कर लिया जाता है रिसीवर के द्वारा। तो जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है उसकी पोजिशन को ये जांच कर लेता है, यानी कि चेक करता है इंफ्रारेड सेंसर्स। पावर सोर्स फॉर रोबोट्स। तो रोबोट बेसिकली हम दूसरे शब्दों के अंदर कह सकते हैं पावर सोर्स, ये ड्राइव सिस्टम भी कहलाते हैं रोबोट के, जो कि रोबोट को मूवमेंट के लिए पावर सप्लाई करते हैं। और पावर सोर्स तीन तरह के होते हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलिक ड्राइव बेसिकली फास्ट मूवमेंट्स के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये हैवी पार्ट्स या हैवी पेलोड्स के लिए प्रेफरेबल होते हैं, लार्ज स्पेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक ये है कि इसमें ऑयल लीकेज होने की चांसेस हैं, इससे क्या है पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। न्यूमेटिक ड्राइव बेसिकली स्मॉलर रोबोट्स के लिए प्रिफर किया जाता है उसको बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक रोबोट के मुकाबले ये लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए प्रेफरेबल होता है, और सिंपल पिक एंड प्लेस एप्लीकेशंस के लिए भी उपयोगी है। इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली स्लोअर मूवमेंट के लिए, जो हाइड्रोलिक रोबोट्स के मुकाबले इसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, और स्मॉल और मीडियम साइज के रोबोट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव काम में लेते हैं। बेटर पोजीशनिंग एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी अच्छी मिलती है इसमें, क्लीन एनवायरमेंट होता है, और ज़्यादातर ये देखा गया कि ये जो ड्राइव होता है इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही यूज होता है। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़े थे, उन टर्म्स को जब हम कंसोलिडेटेड करेंगे तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो रोबोट्स के पार्ट्स बनाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बेस, लिंक्स, जॉइंट्स, रिस्ट, ये सारा मैनिपुलेटर का निर्माण करते हैं। एंड इफेक्टर और ग्रिपर ये दूसरा पार्ट है। ड्राइव या जिसे एक्चुएटर्स भी कहते हैं, मोटर्स कहते हैं इसे। कंट्रोलर जो कि ब्रेन ऑफ रोबोट कहलाता है, और सेंसर्स। अब आप देख सकते हो इसको स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा, एक कंट्रोलर है जिससे ड्राइव यूनिट और जो बेस है ये कनेक्टेड है, फिर ड्राइव यूनिट से ये बेस इसका कनेक्ट है, फिर इसके बाद ये लिंक की आर्म है, और जहाँ पे ये बेस और ये दोनों कनेक्ट होते हैं ज्वाइंट हो गया, इसी तरह से ये लिंक है ये ज्वाइंट हो गया, इसी तरह से ये लिंक की आर्म है। यहाँ पे देखो दो लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, ये ज्वाइंट फॉर्मेशन हो रहा है, और लास्ट में रिस्ट है, और रिस्ट के ऊपर ही एंड इफेक्टर माउंट किया जाता है, जो कि इसमें दिखाया हुआ नहीं है। रोबोट की एप्लीकेशंस। रोबोट बेसिकली लोडिंग और अनलोडिंग में ज्यादा काम में आता है, जैसे रो हॉट बिलेट्स को, फोर्जिंग डाइज
कि यहाँ पे प्लेस करना है, लोडिंग करनी है, या सीट ब्लैंक्स को प्रेस के अंदर आपको माउंट करना है, लोड करना है, या रो ब्लैंक्स को लोडिंग करनी है, या फिनिश्ड पार्ट्स को एनसी मशीन से अनलोड करना है, तो वहाँ इसका यूज होता है। इस तरह से वेल्डिंग ऑपरेशंस के अंदर, मेनली स्पॉट वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत शिप बिल्डिंग, या एरोस्पेस में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर ये वेल्डिंग करते हुए दिखा रहे हैं। स्प्रे पेंटिंग पॉपुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रोबोट पेंटिंग कर रहा है, और इससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मिलती है पेंट की क्वालिटी में। और नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन है असेंबली और इंस्पेक्शन में। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की असेंबली करने में या मशीन असेंबलीज, ये दो मेजर एप्लीकेशंस होती हैं असेंबली एरिया के अंदर, और इंस्पेक्शन भी रोबोट से बहुत अच्छे से किया जाता है। रोबोट की जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। जनरली वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेस पे रोबोट की डिज़ाइन की जाती है। पहला साइज ऑफ क्लास, यानी कि वर्क एनवलप क्या है, वर्क स्पेस क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, लेफ्ट राइट ट्रावर्स, अप डाउन ट्रावर्स, इन आउट ट्रावर्स, योर पिच और रोल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी, ड्राइव कौन सा होगा, हाइड्रोलिक होगा, इलेक्ट्रिक होगा या न्यूमेटिक होगा, कंट्रोल मोड क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, कंटिन्यूस पाथ होगा या कंट्रोल पाथ होगा, रिपीटेबिलिटी कितनी होगी, लिफ्ट कैपेसिटी क्या होगी इसकी, 5 kg, 5 to 20 kg, 20 to 40 kg या उससे ऊपर है, इस तरह से लिफ्ट कैपेसिटी लोड उसको दर्शाएगा, और वेट ऑफ द रोबोट। तो इस तरह से हम ये सिलेक्शन करके और रोबोट की डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।